फ्रेंड्स, कैसे हो? यहाँ मैंने लोहे की बहुत बड़ी कढ़ाई रखी है गरम करने के लिए। आज कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में बनने वाला है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। इस बड़ी कढ़ाई में डालते हैं मुरमुरे। 5 मिनट के लिए हम गरम कर लेंगे इसे। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे थोड़ा गरम कर लेंगे धीमी आंच पे, ताकि हमारे मुरमुरे क्रंची रहे। बारिश के मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन करता है फ्रेंड्स। छोटों से लेकर बड़ों को भी ज़्यादा भूख लगती है मौसम में, तो हम झटपट इजी तरीके से इसे शाम के टाइम बना सकते हैं या बनाकर भी रख सकते हो। चलिए इसे निकालते हैं। इसी कढ़ाई में डालेंगे 1 कटोरी तेल और आधा डालेंगे 1.5 कटोरी। तेल में सबसे पहले हम मूंगफली फ्राई कर लेंगे। हमारे घर में अगर ज़्यादा मेहमान आए तो मैं इसी बड़ी कढ़ाई में बनाती हूँ फिर, ज़्यादा कुछ फ्राई करने का हो तो। इसमें 1 किलो पोहा बन जाता है, इतनी बड़ी कढ़ाई है ये। फ्राई हो गई है मूंगफली, अभी इसे निकालते हैं हम। इसी तेल में हम प्याज भी ब्राउन कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे प्याज को। यह ऑप्शनल है फ्रेंड, आपको पसंद हो तो डालिए प्याज, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट आता है चूड़े में। प्याज भी तल गए, इसे निकाल लेते हैं। इसी तेल में थोड़ा नारियल सूखा खोबरा भी फ्राई कर लेंगे। नारियल के बाद अभी डालेंगे कड़ी पत्ता तेल। कड़ी पत्ता के बाद डालेंगे लहसुन क्रश किया हुआ है। इसे पीसना नहीं है फ्रेंड, क्रश करके डालना है तेल में। लहसुन को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे फ्रेंड्स, ओनियन की तरह अच्छे से लाल कर लेंगे। इसी तेल में डालेंगे भुने हुए चने या दालवा डालिए, इसका मैंने छिलका उतार लिया है। इसे भी हम थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। नमक स्वाद अनुसार, 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच भुना जीरा पाउडर, इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। अभी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अभी इसमें डालेंगे जो हमने सब फ्राई किया था, अच्छे से सभी मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स हो गया है फ्रेंड्स। अभी ऊपर से डालेंगे पीसी हुई चीनी, ये ऑप्शनल है फ्रेंड, आपको पसंद हो तो डालिए। थोड़ा मीठा, तीखा मीठा चटपटा थोड़ा अच्छा लगता है बारिश के मौसम में। धीमी आंच हो फ्रेंड्स, तभी आप सूखे मसाले डालिए, फुल फ्लेम पे मत डालिए, नहीं तो मसाले जल जाएंगे। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी रेडी है हमारा मसाला चूड़ा। गैस करते हैं बंद। अभी इसे निकालते हैं। टेस्टी चटपटा चूड़ा रेडी है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।